बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। शत्रुघ्न सिन्हा किसानों के मुद्दे पर यशवंत सिन्हा को समर्थन देने मध्य प्रदेश पहुंचे थे। दरअसल किसानों की मांगों को लेकर इन दिनों यशवंत सिन्हा आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुके हैं। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि किसानों के साथ सदियों से अन्याय होता आ रहा है। एनटीपीसी के खिलाफ किसान जिन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, उस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को हल निकालना चाहिए। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि वो किसानों के सामने मन की बात करने नहीं आए हैं, क्योंकि उस पर तो किसी और का पेटेंट राइट है और वह मन की बात करते जा रहे हैं, चाहे कोई सुने या फिर ना सुने, लेकिन वो यहाँ पर दिल की बात जरूर करेंगे। वहीं बाबुल सुप्रियो के बयान पर पूछे जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। दरअसल इसके पहले राजस्थान में बीजेपी द्वारा उपचुनाव में तीनों सीटें हारने पर शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर बाबुल सुप्रियो ने बयान दिया था कि शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी को 3 तलाक दे देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में किसानों की मांगों के समर्थन में पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे बीजेपी के असंतुष्ट नेता यशवंत सिन्हा को प्रदेश की आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है।